हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। चलिए ईवीएस की पेडागोजी कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्ट क्वेश्चंस करते हैं आज हम फिर से, ताकि आपके जो है वो प्रैक्टिस अच्छे से बनी रहे। तो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ऐसे ही रोज वीडियोस को देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है कि एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को भोजन के तत्व प्रकरण को पढ़ाने की योजना बनाती है। इसकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न उपयुक्त होगा। कक्षा 5 की एक शिक्षिका है, वो क्या पढ़ाना चाह रही है? भोजन के तत्व से, भोजन में जो जो तत्व होते हैं, हमारे विटामिन्स भी होते हैं और हमारी वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये सारे जो तत्व हैं उनको इस चीज़ों के बारे में पढ़ाना है। तो वो आपसे किस तरीके का, किस प्रकार का क्वेश्चन करेंगी, सबसे अच्छा उपयुक्त जो होगा। फर्स्ट है, आपकी माँ विविधतापूर्ण भोजन पदार्थ वाला भोजन क्यों देती है? क्या आपकी माँ प्रतिदिन आपको एक ही तरह का भोजन देती है? क्या आपको भोजन में भिंडी अवश्य खानी चाहिए या फिर उन पदार्थों की सूची बनाए जिन्हें पशु खाते हैं? तो यहाँ पे हमारा कौन सा जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, तो आपके हिसाब से क्या इसका आंसर होगा बिल्कुल सही? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा कि हम अपने घर में ना अपनी मदर से पूछेंगे कि वो हमें जो भोज्य पदार्थ हैं वो भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है, मतलब वसा युक्त, कार्बोहाइड्रेट युक्त, विटामिन युक्त भोजन हमें क्यों देती है। इससे क्या होगा, मदर हमें पहले समझाएंगी कि भोजन के तत्व कौन कौन से, उसमें हमें ये भी बताएंगी कि जो वो भोजन दे रही हैं उसमें कौन सा भोजन का तत्व विद्यमान है और उसकी ज़रूरत भी बताएंगी। तो ऐसे सब थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा करके लेके आएंगे अपने घर से, फिर वो क्लास में टीचर उनसे पूछेंगे कि आप क्या क्या जानकारी इकट्ठा करके लेके आए हो, सब अपना अपना बताएंगे। तो उससे क्या होगा, वो खुद भी उस कार्य में इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने खुद भी उस कार्य की क्या करी है, थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करी है। तो उससे क्या होगा, उनको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से उस टॉपिक को वो समझने में ज़्यादा बेहतर बनेंगे। ठीक है, तो चीज़ें उनसे ऐसी करवाइए ताकि वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्वॉल्वमेंट होगी उनकी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को जल्दी समझ पाएंगे। तो इसलिए इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्यों? जो हमारा संतुलित आहार होता है, जिसमें हमारे संतुलित आहार उसे कहती है जो हमारी बॉडी के लिए या हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, उसमें सभी चीज़ विद्यमान होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है, तो उसमें प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होते हैं, या फिर सेकंड है ये ऊर्जा की स्फूर्ति में अधिक उपयोगी होते हैं, थर्ड है ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं, या फोर्थ है ये आँखों को स्वस्थ बनाए रहते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्या आप आंसर चूज करके आएंगे इसका, आपके हिसाब से क्या इसका परफेक्ट आंसर है? देखिए, प्रोटीन का हमारा इम्पोर्टेंस होती क्या है, प्रोटीन जो है ना वो शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होता है। शारीरिक अवयवों का मतलब है कोई भी टिश्यू हो गई, कोई भी सेल हो गई, कोशिका हो गई, उसके निर्माण में प्रोटीन सहायक होता है और हमारी बोन्स को, हड्डियों को मजबूत करने में कैल्शियम प्रदान करता है। तो इन चीज़ों में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है, अगर प्रोटीन नहीं होगी तो नई नई हमारी जो कोशिकाएं हैं वो नहीं बनेंगी, हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। तो ठीक है, तो प्रोटीन का ध्यान रखिए, प्रोटीन क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि वो शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होता है, इसलिए वो ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए। इसके बाद बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि एकल परिवार का गुण होता है, एकल परिवार का क्या गुण होता है? फर्स्ट है वृद्धों एवं बालकों की देखभाल, सेकंड है बालकों का दूसरों पर आश्रित रहना, थर्ड है बालकों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास, या फोर्थ है बालकों में परिवार के सदस्यों के प्रति लगाव। तो एकल परिवार का क्या गुण होता है, एक तो होता है एकल परिवार, दूसरा होता है जिसमें नाम तो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, जैसे जिसमें क्या होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत बड़ा जो परिवार होता है, आप उससे कह सकते हो कि मतलब बहुमुखी परिवार या बहुत इस तरीके का कोई नाम होता है, आप देख लीजिएगा एक बार। तो एकल परिवार का मतलब है जिसमें सिर्फ मम्मी पापा अपने मम्मी पापा होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, और जो दूसरा परिवार होता है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें तो आपके ताऊ ताई जी उनके बच्चे, चाचा जी उनके बच्चे, ऐसे करके बहुत बड़ा परिवार होता है। तो एकल परिवार का क्या गुण होता है, तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो क्या होगा कि बालकों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। कभी कभी हम ना इसमें कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन में। देखिए, एकल परिवार में क्या होता है कि बालक अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, उनमें इस तरह की क्षमता होती है, क्योंकि वहाँ पे देखिए अब मम्मी पापा अपने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, तो वहाँ पे जो मम्मी पापा हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों पर अच्छे से ध्यान रखेंगे,
उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखेंगे और बालकों को भी कोई हेजिटेशन नहीं होगी बताने में। अब एक बच्चा है, उसका परिवार है बहुत बड़ा, तो उसे अपनी बारे में, अपना निर्णय लेने में, अपनी कोई बात रखने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है और वो डरता भी कि अगर उसने कुछ गलत बोल दिया तो उसे डांट पड़ जाएगी, तो इसलिए वो निर्णय नहीं ले पाता। बट एकल परिवार में बालकों में थोड़ी कॉन्फिडेंस होता है और स्टार्टिंग से ही उनको इस तरीके से, मतलब जो पेरेंट्स हैं वो ट्रीट करते हैं उनको, उस तरीके से रखते हैं कि आप अपनी बात कहिए, आपकी जो भी बात है आप निर्णय लीजिए, ठीक है। तो उन्हें निर्णय लेने की क्षमता का उनमें अच्छे से विकास हो पाता है, जो कि उसमें होता है एकल परिवार में होता है। इसके बाद बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। फर्स्ट है औद्योगिकरण की प्रक्रिया को मंद करना, सेकेंड है शुद्ध जल पेय आपूर्ति, थर्ड है खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर जोर, और फोर्थ है प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। तो पर्यावरण शिक्षा हमें क्यों दी जाती है, क्यों हमें EVS पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? तो देखिए, इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि एक तो पर्यावरण के बारे में आप जानें, पर्यावरण में आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, कितनी चीज़ें गतिविधियाँ हो रही हैं उनके बारे में वो जागरूक हों। तो उसे अगर वो जागरूक नहीं होंगे तो क्या कभी पर्यावरण को बचा से उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि पेड़ कटने से क्या नुकसान होता है, क्या हानि होती है, तो वो पेड़ सोचने कटते ही रहे, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करेंगे, वो प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचा सकते हैं, क्योंकि जब तक वो पर्यावरण शिक्षा नहीं पढ़ेंगे तब तक वो उन समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं होंगे जो पर्यावरण में चल रही है, और जब तक समस्या को नहीं जानेंगे तब तक उनके उनको उनके प्रति बचाव का कार्य नहीं कर सकते। इसलिए पर्यावरण शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचा सकें, क्योंकि देखिए प्राकृतिक संसाधन एक टाइम पर आके ख़त्म हो ही जाएंगे, इसलिए अभी से हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद है कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम कोई दृश्य सामग्री का प्रयोग करें, जैसे आप कोई चित्र दिखा रहे हो, कोई चार्ट दिखा रहे हो, कोई प्रोजेक्टर से कोई चीज़ दिखा रहे हो, तो यहाँ पे हम दृश्य क्या सबसे किस बात का ध्यान रखेंगे कि उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो, वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, या फिर उसके बारे में बच्चों को पहले से ही बता देंगे। तो क्या उद्देश्य होता है हमारा, देखिए दृश्य सामग्री हमें किस उस पर दिखाई जाती है, जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमारा कोई चैप्टर चल रहा है उसमें हमने प्लांट क्या बोले वाटर प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम उसी के अनुरूप ही तो चार्ट दिखाएंगे, उसी के अनुरूप ही तो दृश्य सामग्री दिखाएंगे, या फिर ऐसे कि कुछ भी आपका मन करा कोई टॉपिक लेके आ गए बच्चों को, चलिए बच्चे आज हम ये पढ़ेंगे, उनके पाठ्यक्रम के अनुसार आप करें, क्योंकि पाठ्यक्रम उनके स्तर के अनुसार बना होता है कि बच्चे किस लेवल तक समझ सकते हैं, उसी स्तर के अनुसार उनका पाठ्यक्रम रखा जाता है। तो हम ऐसे दृश्य सामग्री का उपयोग करेंगे जो उनके पाठ्य विषय के अनुरूप हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लेके आ जाओगे, उससे क्या होगा, उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा बच्चों का और कुछ नहीं होगा। तो आप उनके सिलेबस के हिसाब से जो भी उनके पाठ्य विषय है उसके अनुरूप ही आप दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, तो इस बात का हम सबसे अच्छा ध्यान रखें। और अज्ञात से ज्ञात की ओर तो हम नहीं लेके जाते बच्चों को, हमेशा ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाते हैं, यहाँ तो आपको पता ही है बिल्कुल भी। इसके बाद बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बोला है कि शिक्षा के क्षेत्र में उस समस्या को क्या कहते हैं जिसके कारण कोई छात्र किसी स्तर पर शिक्षा पूरी किए बिना ही अपना अध्ययन कार्य छोड़ सकता है। मतलब एक बच्चा है, वो जैसे फिफ्थ लेवल पे आया, उसने सिक्स्थ क्लास करी, उसके बाद उसके पास ऐसी समस्या आ गई जिसमें उसने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो ऐसी क्या समस्या आ गई होगी, अवरोधन की समस्या, मतलब कहीं ना कहीं बाधा आ गई होगी, रुकाव आ गई होगी, अपव्यय की समस्या, अपव्यय का मतलब होता है खर्च की समस्या, शिक्षा की कमी हो गई, या फिर एक गंभीर समस्या है, तो किस प्रकार की समस्या है हमें ये बताना है। तो देखिए, हमारा बच्चा पढ़ाई कब बीच में छोड़ सकता है, या तो उसके पास पैसे नहीं हो, उसके पास इतना संसाधन नहीं हो कि वो शिक्षा को ग्रहण कर सके, वरना हर कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि शिक्षा ग्रहण करके क्या होगा, बहुत सारी वो चीज़ों को सॉल्व कर सकता है, उसकी ज़िंदगी अच्छी बन सकती है। बट एक समस्या ऐसी आती है, अपव्यय की समस्या, कि जब हमारे पास पैसे नहीं होते, क्योंकि देखिए आजकल जो प्राइवेट स्कूल्स के बहुत ज़्यादा फीस है, गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ लेगा, बट गवर्नमेंट स्कूल में आजकल इतनी फैसिलिटीज़ नहीं उपलब्ध कराई जा रही जितनी प्राइवेट स्कूल में कराई जाती है, बट प्राइवेट स्कूल का खर्च बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अपनी कंटिन्यू पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अवेलेबल उसके पास नहीं होती, तो वो बीच में अपना अध्ययन कार्य को छोड़ सकता है। तो सबसे जो कमी होगी, जो गंभीर समस्या होगी, वो क्या होगी, अपव्यय की समस्या, जो खर्च है उसकी समस्या।
सेवन क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक अपने छात्रों को पाठ पढ़ाने के बाद गृह कार्य देता है, क्योंकि जब हम शिक्षक जो है हमें बच्चों को होमवर्क देता है, क्यों देता है? क्योंकि गृह कार्य देने से छात्र पढ़ेंगे, या गृह कार्य से छात्रों की प्रगति की जांच की जा सकेगी, या फिर छात्रों को व्यस्त रखना आवश्यक है, या फिर गृह कार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास हो सकेगा। तो छात्रों को गृह कार्य किस वजह से दिया जाता है हमें ये बताना है, क्या इसके लिए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए जब आप गृह कार्य दोगे तो जो भी आप काम दे रहे हो तो उससे बच्चे क्या करेंगे, खुद करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आएगा तो कल आपसे अगले दिन आके पूछ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करेंगे। तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, उनमें सेल्फ स्टडी की भावना पैदा होगी। तो क्या होगा इसका आंसर, समझ गए होंगे सभी, इसका आंसर फोर्थ होगा कि गृह कार्य करने से छात्र में स्वाध्याय मतलब खुद पढ़ने की आदत का क्या होता है, विकास होता है, जो कि एक अच्छी आदत होती है। कि आपको किसी पर हमेशा निर्भर नहीं होना कि टीचर ने हमें जो पढ़ाया बस हम वही पढ़ेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ेंगे। आपके अंदर ऐसी भावना भी होनी चाहिए कि आप खुद चीज़ों को समझने में कैपेबल हो सके, ठीक है। तो स्वाध्याय की भावना का विकास होता है और अभ्यास करने की प्रकृति भी छात्रों में विकसित होने लगती है। वो क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं बार बार चीज़ों का, जो स्कूल में कराया वो घर जाके भी उसको रिपीट करना सीख जाते हैं। तो फोर्थ वाला आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हमारा बढ़ते हैं एट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बोला है कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है। ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है, यहाँ पे माउंटेनियरिंग मतलब आपको जैसे पढ़ाई पहाड़ वगैरह पे चढ़ना या फिर इस तरीके का ना चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो कहाँ पर ये, उत्तरकाशी, देहरादून, पणजी या पुणे, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बहुत बार। तो देखिए ये नहीं आपको पता है तो अच्छी बात है, ये उत्तरकाशी में है। तो ठीक है, याद रखिएगा नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। इसके बाद बढ़ते हैं नाइन क्वेश्चन में, बोला गया है कि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग के साथ शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग भी कर रहा है, ऐसा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि ऐसा करने से शिक्षार्थी सीखने में अपनी अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, या फिर सेकेंड है ऐसा करना शिक्षक को शारीरिक रूप से आराम पहुँचाता है, थर्ड है ऐसा करने से शिक्षार्थी प्रसन्न रहते हैं, या फिर फोर्थ ऐसा करने से शिक्षार्थियों का आकलन करना आसान हो जाता है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री का तो बच्चे देख रहे होंगे, बट उसके साथ साथ शिक्षक उन्हें शारीरिक गतिविधि भी करा रहा है। तो ऐसा शिक्षक का करने का क्या उद्देश्य है, हमें ये बताना है। तो सभी समझेंगे इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट वाला होगा, कि ऐसा करने से शिक्षार्थी जो है वो अपनी अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करेंगे। इंद्रियां आपको पता है कि इंद्रियां जैसे हमारा हाथ पैर चलाना हो गया, मूवमेंट करना जो भी हो गया, तो वो भी करेंगे। नहीं तो बच्चे क्या होंगे, एक जगह बैठ के देख रहे होंगे, बस मज़े ही लेते रहेंगे, कुछ बोर भी हो जाएंगे तो इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन खुद भी उसमें शारीरिक गतिविधियां आप करवाओगे तो वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे उसमें और उन्हें अच्छा भी लगेगा उस चीज़ से, वो जल्दी भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा आंसर बिल्कुल सही है, इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सभी से अच्छे से टिक करेंगे। निम्न में से लद्दाख में बने घरों की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या पूछा है, नहीं है पूछा है लकड़ी की छतें, लोहे का फर्श, लकड़ी का फर्श या मोटी दीवारें। तो कौन सी जो है वो लद्दाख में जो घर होते हैं उनकी विशेषता नहीं है। देखिए घरों के बारे में भी अच्छा पढ़ना आप, कि जहाँ पर किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, केरल में किस प्रकार के घर होते हैं, राजस्थान में कैसे घर बने होते हैं, मतलब तो आपको ये भी पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको पता है कि लद्दाख कैसा क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है, वहाँ पर क्या होते हैं, बर्फ बनती है, तो वहाँ पर केवल लकड़ी के घर ही बने होते हैं जो रहने के लिए सही होते हैं। तो लकड़ी के घर होते हैं तो लोहे का फर्श का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, ये तो कोई विशेषता हुई नहीं। तो देखिए कि वहाँ पे लकड़ी के घर बनने से क्या होता है ना, थोड़ी जो ठंड का अनुभव होता है वो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए लद्दाख में लकड़ी के घर ज़्यादा अनुकूल होते हैं। तो लोहे का फर्श जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये इसकी विशेषता नहीं होती। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आएंगे, ऐसे ही रोज करते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।